आज का जो टॉपिक है सेक्स पार्टीज, ये देखो थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक है। तो मेरे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, इससे पहले कि वो बीच में ही अनकंफर्टेबल हो जाए, बेटर है कि वो इस वीडियो को अभी यहीं इसी टाइम स्किप करें, ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे। और वैसे भी खाना हमेशा वही खाना चाहिए जो डाइजेस्टेबल हो। तो शुरू करते हैं। सेक्स पार्टीज क्या होती है ये सेक्स पार्टीज? बर्थडे पार्टी तो बहुत सुनी है, गए भी हैं, केक वेक भी खाया है, एनिवर्सरी 25 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मना रहे हैं, ये भी सुना है। ये सेक्स पार्टीज क्या होती है? सेक्स वो भी पार्टीज तो सिंपल सी चीज है, वो पार्टीज जो सेक्स के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है उन्हें सेक्स पार्टीज कहते हैं। अब है कि चीज होती कहाँ है, कौन करते हैं इन चीजों को? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे एरिया में उतरा है ना, सारे बाहर के कॉन्सेप्ट उठा लेती है और बस वीडियो बनाकर पता नहीं क्या क्या बोलती चली जाती है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो देखोगे कैसे? क्योंकि ये सारी चीजें छुप छुपा कर होती हैं, प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, कोई चौड़े में आके नहीं बोलता कि भाई हम ये चीजें करते हैं। तो आप देखोगे कैसे, सुनोगे कैसे? अब क्या है ना, वो लोग प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। तो जिनसे मुझे ये चीजें पता लगती हैं, उनका बखान तो मैं आपके सामने नहीं कर सकती ना, कम से कम इतनी प्राइवेसी तो मेरे को भी मेंटेन करनी होगी उन लोगों की, तभी तो आगे मुझे चीजें बताएंगे कि ऐसा होता है और ऐसा होता है और ऐसा भी होता है। चलो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेके टॉपिक शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल में सेक्स पार्टीज का जो प्रचलन है वो बहुत पुराना है और पॉपुलर भी है। इसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड कपल होते हैं, कुछ कोर ग्रुप होता है जो कि इस तरह की पार्टीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब पार्टीज क्योंकि एक या दो लोगों की तो होती नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ कपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ग्रुप सेक्स जैसे एक्ट इसमें किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कपल टू कपल कि वो ग्रुप सेक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद भी इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर सोफे पे अलग बैठकर ग्रुप सेक्स को देखते हुए एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, जस्ट उस एटमोस्फेयर का मजा लेना चाहते हैं, सोफे पे बैठ के जस्ट ड्रिंक और म्यूजिक, लाउड म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अपने कुछ पहले वीडियोस में भी बोला है कि लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनकी अपनी कुछ बाउंड्रीज, अपनी कुछ लिमिटेशन फिक्स होती हैं, जो अपनी उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते। जैसे अगर कोई कपल स्वैपिंग शेयरिंग और कोकोल्डिंग में ही कंफर्टेबल है तो बार बार उन्हीं चीजों को करेगा ट्राई, वो ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ उस माहौल का, उस एटमोस्फेयर का मजा जरूर ले सकता है, एंजॉय जरूर कर सकता है, और लोगों को देख देख कर अपनी उत्तेजना, अपना अरोजल जरूर बढ़ा सकता है। तो ये अपनी उसकी च्वाइस होती है। अब ग्रुप सेक्स होता क्या है? कुछ लोग होते हैं कि ग्रुप सेक्स को गैंग बैंग से जोड़ देते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ग्रुप सेक्स जो है वो गैंग बैंग ही होता है, जबकि गैंग बैंग और ग्रुप सेक्स दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ग्रुप सेक्स क्या होता है? इसमें हर कपल ग्रुप में सेक्स करता है लेकिन अपने ही पार्टनर के साथ, होगा ग्रुप में करेगा अपने पार्टनर के साथ ही। अब है कि इसमें उनको क्या मजा आता है, जब करना ही अपने पार्टनर के साथ है तो ग्रुप में क्यों कर रहे हैं भाई? सिंपल, फॉर द चेंज, कुछ नया करने की चाहत, मोर एक्साइटमेंट, मोर फन, सेक्स को किसी और तरीके से करना, कुछ अलग ढंग से करना, एक नया नजरिया अपनाना। कुछ होते हैं इस माइंडसेट के लोग जो ये सोचते हैं कि यार जिंदगी एक ही मिली है मुझे, सब कुछ कर लेना है मुझे इसमें, तो ऐसे लोग होते हैं। तो कुछ लोगों की फैंटेसी होती है जो उन्हें बार बार ये ग्रुप सेक्स करने के लिए बोलती है, उनकी इच्छा होती है, उनका उनका उनके सेक्सुअल डिजायर होती है। तो सेक्स पार्टी तो एक बहाना है, होना तो वहां पे ग्रुप सेक्स है। अब सिंपल से चीज है, किसी को ट्यूशन अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ग्रुप में ही पढ़ना अच्छा लगता है। अब ग्रुप में क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन की हेल्दी फीलिंग होती है। तो सेम चीज है, अगर कोई ग्रुप सेक्स करता है तो एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग तो आ ही जाती है कि उससे बेटर करो, उससे बढ़िया करो, इससे ज्यादा सिस्कारियां दिलवाऊं इसको। क्योंकि अगर आप किसी का परफॉर्मेंस जज कर रहे हो तो कोई आपका परफॉर्मेंस भी तो जज कर रहा होगा ना। अगर वो किसी को इतनी सिस्कारियां दिला रहा है तो आपके अंदर भी तो ये चैलेंज आएगा कि यार मैं भी अपनी पार्टनर को उससे ज्यादा सिस्कारियां दिलवाऊं। ये एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग होती है जो उस वक्त लोगों में चल रही होती है कि मुझे ज्यादा बेस्ट करना है और मुझे ज्यादा अच्छे से करना है। कंपटीशन तो कंपटीशन है ना, चाहे अच्छा दिखने का हो या फिर अच्छा करने का हो। सेक्स, आपको इस तरह की सेक्स पार्टीज में सिंगल फीमेल भी एंजॉय करती हुई दिखेंगी और गे और बाइसेक्सुअल लोग भी आपको दिखेंगे, वही लोग जिन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि
होल जो मिल रहा है वो किसका है। ग्रुप सेक्स में लोगों को परफॉर्म करते हुए देख अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, सेक्सुअल अराउजल बढ़ता है। वो लोग जो कि इस ग्रुप सेक्स का हिस्सा भी नहीं है, सिर्फ दूर से बैठे हुए सोफे पे नजारों का मजा ले रहे होते हैं, वो भी अचानक ही एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपटना शुरू कर देते हैं। तो इतना असर होता है, ऐसा लगता है जैसे आप कोई लाइव पोर्न देख रहे हो और आपके अंदर एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट पैदा होती है, फीलिंग क्रिएट होती है। इसका मजा वो ही ले सकते हैं जो इनको एंजॉय करना जानते हो। मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, उनकी फीलिंग ही होती है। इस तरह की जो पार्टीज होती है पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, वहां पे सीक्रेटली ऑर्गेनाइज की जाती है, वहां पे थीम एक्ट होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, ड्रिंक व्रिंक फुल एंजॉयमेंट यही चलता है, जिसे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप सेक्स पार्टीज को वही लोग इंजॉय कर पाते हैं जो इस तरह का माइंड सेट रखते हैं, और ऐसे लोगों को ही लाइफस्टाइल कपल कहते हैं।